नागदा ग्राम अमलवादिया सीता देवी सनसनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पड़ोस के रहने वाले शांतिलाल सोलंकी पुत्र अंबाराम सोलंकी द्वारा हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए सभी हथियार हसिया फावड़े का हत्था जब्त कर लिए हैं। नागदा सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि पुलिस द्वारा 5 टीम बनाई गई थी जो इस केस पर काम कर रही थी। शांतिलाल के बार बार बयान बदलने पर पुलिस को शक हुआ और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जनवरी की बात है, थाने पे सूचना आई कि अमलावदिया में सीताबाई उम्र 59 साल की महिला है जिसको कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पे से फिर मर्ग और अपराध हत्या का पंजीवत करके घटनास्थल पर पहुँचा गया और जिले से भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने श्री सचिन दत्तकर जी प्लस एडिशन एसपी साहब मैं थाना बिल्ला ग्राम की टीम 3-4 टीमें सब लगाई गई और इसकी लगातार विवेचना जब से की गई और विवेचना के दौरान ये पाया गया कि किसी धाता हथियार से इसकी हत्या की गई है। उसके बाद में मुखबिर भी लगाया गया गांव में चल फिर कर, फिर मुखबिर द्वारा बताया गया कि एक शांति लाल करके है संदेही, इस पर संदेह जा रहा। मुखबिर ने बताया इससे पूछताछ की जाए, उसको बुला करके उससे पूछताछ की गई तो उसके स्टेटमेंट दिए गए, तो उसके स्टेटमेंट में जो दिए उसने उसमें कुछ अंतर आया, हकीकत में कुछ और था और वो बोल कुछ और रहा था, तो हमारा शक और गया उस पर। फिर और हिकमत अमली से बारीकी से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा सीताबाई की हत्या करना कबूला और जो हत्या में प्रयोग किए गए थे हसिया और एक लकड़ी का बेंटा है जो कि फावड़े में लगा रहता है वो, प्लस जो उसके कान से सीताबाई के गुरिये जो लूटे गए थे उसके द्वारा सीताराम के द्वारा, वो सब उसकी निशानदेही पे बरामद कर लिए गए हैं। नागदा से दोपहर न्यूज़ के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।